इस वीडियो में हम सुजलॉन एनर्जी के राइट इशू का लाइव प्रोसेस देखेंगे, कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। वैसे भी यहाँ से दो वीडियो पहले भी अपलोड हो चुके हैं राइट इशू को लेके, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। यदि आप सिंपली प्लेलिस्ट में जाते हैं, वहाँ पे आप इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल्स में जाते हैं, तो आपको दो वीडियोज और मिलेंगी। बट यहाँ पे एक जो क्वेश्चन अभी भी उन दो वीडियो बन जाने के बाद भी कि यहाँ पे सर 5 पैसे में कैसे अप्लाई करें, क्योंकि एक जो हमारे इन्वेस्टर है गोपाल अग्रवाल जी, उन्होंने आज के दिन एक कमेंट किया है, उन्होंने यहाँ पे बोला है कि 5 पैसे में कैसे यहां पे राइट इशू को अप्लाई करें। तो इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा 5 पैसे एंड और भी जो ब्रोकरेज फर्म है उनके ऊपर एंड कैसे अप्लाई करें, क्योंकि कई जगह मैंने भी यहां पे नोटिस किया है जैसे 5 पैसे हो, एंजल ब्रोकिंग हो, उन्होंने कोई अपने आप में ऐसी फैसिलिटी नहीं दी है कि आप डायरेक्ट वहां से जाके अप्लाई कर सकें, जो यहां पे ज़ीरोधा ने दी हुई है। तो यदि आप 5 पैसे एंड एंजल ब्रोकिंग एंड कोई ऐसी ब्रोकरेज फर्म से रिलेट करते हैं जहां पे राइट इशू के बारे में कोई ऐसी जानकारी नहीं है, सॉलिड जानकारी नहीं है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। सबसे पहले यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लास्ट में जरूर कर दें, चैनल पे अभी फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। अभी हम चलते हैं डायरेक्ट लेटेस्ट स्लाइड के ऊपर, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कि आखिरकार यहां पे अप्लाई कैसे करना है। तो फर्स्ट अभी हम चलते हैं लेटेस्ट स्लाइड के ऊपर। अभी हम डायरेक्टली गूगल पे आ चुके हैं। यदि यहाँ पे देखें तो राइट इशू अप्लाई ऑन 5 पैसा, यहाँ पे देखते हैं तो 5 पैसे की ऑफिशियल वेबसाइट पे हम यहाँ पे जा चुके हैं। सबसे पहले हम एक प्रोसेस यहाँ पे चेक करेंगे किस तरह से 5 पैसे ने यहाँ पे बताया हुआ है। तो ये रिलायंस के शेयर के बारे में बात कर रहे हैं, बट डायरेक्टली अभी हम देखेंगे कि इनका प्रोसीजर क्या है। तो फर्स्ट इन्होंने यहाँ पे दो भागों में डिवाइड किया है, दो भागों से इन्होंने यहाँ पे प्रोसीजर समझाया। फर्स्ट यदि हम चेक करें तो हाउ टू अप्लाई फॉर द रिलायंस राइट इशू, मतलब कुल मिला के राइट इशू में आपको कैसे करना है। फर्स्ट इन्होंने यहां पे बताया जो प्रोसेस बताया, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस वेबसाइट ऑफ रजिस्ट्रार की जो वेबसाइट है वो इन्होंने यहां पे बताई है। जो इन्होंने यहां पे वेबसाइट बताई है वो है kfintech.com। तो फर्स्ट अभी हम चलते हैं kfintech.com की वेबसाइट के ऊपर, जिससे आपको पता लगेगा कि कुल मिलाकर प्रोसेस कैसा यहां पे रहने वाला है। तो मैं अभी डायरेक्टली कर देता हूं इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक, kfintech जो इनकी ऑफिशियल रजिस्ट्रार की वेबसाइट है। तो अभी हम चलते हैं इस वेबसाइट के ऊपर एंड यहां पे हम आ चुके हैं kfintech .com के ऊपर। आप किसी भी ब्रोकरेज फर्म में हैं, बट यदि आप देखें आपको राइट इशू के बारे में सही सॉलिड जानकारी नहीं मिल रही है, तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आके यहां पे आ जाएंगे, जहां पे साफ साफ दिख रहा है 2 IPO यहां पे ओपन हो चुके हैं। फर्स्ट यदि हम देखें तो गौतम जेम्स लिमिटेड एंड सेकंड देखें तो सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड, दोनों एप्लीकेशन यहां पे ओके हो चुके हैं। गौतम में भी अभी चल रहे हैं, गौतम अभी प्रेजेंट में चल रहा है, लेकिन यदि सुजलॉन की बात करें तो यहाँ पे 11 तारीख से एप्लीकेशन स्टार्ट होने हैं। यदि आप इस वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, सबसे ऊपर मैंने इस वेबसाइट की लिंक दे रखी है, वहाँ पे आप जाके सिंपली इसी पेज पे आ सकते हैं। फर्स्ट अभी हम चलते हैं सुजलॉन के ऊपर एंड आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई यहाँ पे करना होगा गो के ऊपर। तो अभी हम गो करते हैं, गो पे हम यहाँ पे आगे चले जाएंगे एंड सुजलॉन के एक पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे लिखा है राइट इशू ओपन एंड अक्टूबर 11 अक्टूबर 9 बजे सुबह से ओपन हो जाएगा एंड वो यहाँ पे चलने वाला है 20 अक्टूबर शाम 5 बजे तक। यदि आप ये देखें ये जो स्लाइड चल रही है, मतलब सुबह 9 बजे आप तैयार रहना है, यहाँ पे 11 तारीख को आप यहाँ पे एप्लीकेशन डाल पाएंगे। उसके साथ यदि आप यहाँ पे देखें तो राइट्स एंटाइलमेंट लेटर भी यहाँ पे दिया गया है जो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एंड सेकेंड यदि यहाँ पे देखें तो ईमेल मोबाइल रजिस्ट्रेशन यहाँ से एंड यदि हम यहाँ से बात करें तो यहाँ से गो के जरिए आप यहाँ से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं एंड सेकंड यदि हम बात करें इन 5 पैसे के द्वारा सेकंड क्या फैसिलिटीज बताई गई है। तो अभी हम यहां पे बैक आ जाते हैं एंड सेकंड यहां पे बताया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेसिंग बाय ASVI, ये यहां पे नेट बैंकिंग की बात करें, नेट बैंकिंग के बारे में मैं पहले भी वीडियो यहां पे बना चुका हूं एंड यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने आपको पहले बता दिया, आप इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल्स में जा सकते हैं, वहां पे मैंने तीनों प्रोसेस होते हैं, तीनों प्रोसेस के ऊपर वन बाय वन डिस्कशन कर रखा है, तो आप वो वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। यदि आप वहां पे भी नहीं जा सकते हैं, तो आपको ऊपर बेल आइकॉन में शो हो जाएगा, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। तो बकाया हम मिलते हैं 11 तारीख को लेटेस्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए आप यहां पे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कर दें।